हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी का विंटर टोपा बना के दिखाने वाली हूँ, दूसरे तरीके से बनाऊँगी। एक बार मैंने पहले आपको बना के दिखाया है, अब मैं दूसरे तरीके से बना के दिखाऊंगी। और ये क्रोशिया मैंने 10 नंबर का लिया है। ये देखिए, मैंने ये क्रोशिया में एक फंदा डाल लिया है। और मेरे घर पे जो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं, उनके लिए मैं ये ऊनी टोपा बना रही हूँ इस तरह से। ऐसे करेंगे, इसकी चेन बनानी है इस तरह से। जो मेरे घर पे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, वो बिल्कुल छोटे से हैं। जो छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं, वो उनका सर मेरी ये उंगली है इतना होगा। तो चैन इस तरह से इतनी लंबी बनाएंगे। एक फंदा और ले लेते हैं। अब इसको हम अब इस चैन को यहाँ से एक फंदा उठा के ऐसे जोड़ देंगे। एक फंदा और ले लेते हैं। अब इसको इस तरह से ये देखिए, हमारा गोल राउंड टोपे का बन गया है। इसको सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ऊपर इसको घटाते हुए बढ़ाएंगे। पहले एक दो चेन सेम बिनेंगे, फिर घटाते हुए इसको बढ़ाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इतने क्रोशिया से बुन लिया है। अब इसके मैं धीरे धीरे फंदे घटाऊंगी। यहां से थोड़ा सा गैप कर करके फंदे लेना है। कुछ इस तरह से लड्डू गोपाल जी का टोपा बन के तैयार हुआ है। और अब इसमें मैं ये रेड कलर की ऊन का इधर पट्टी लगाऊंगी। आपको पट्टी लगा के दिखाती हूँ ना। हाँ, कौन ये देखिए, इस तरह से रेड पट्टी लगाने के लिए इस तरह से फंदे को ले लिया है। और